they can remain ahead of others and can earn money. We met some of the Indian students there doing postdoctoral. So they said, sir, what we have not learned in our PhD and PG, we are learning from UG students here. What is the difference? The handling of equipment. And therefore, what they have been told, that you have to do your project which can be applied to create business, not to create knowledge, to create business. So just imagine the type of education what we need now. जैसा कि विदित है, आज का ये दिन भारत के विकास के प्रति एक अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब उसके भविष्य की नींव रखी जाती है, जब उसके सपने पूरे होते हैं और जब उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। फॉरवर्ड लुकिंग हो, आज राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग। भारत में चार बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। आज के तीनों प्लांट और माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में एक और खासियत है, डबल इंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है, ये चारों के चारों प्लांट इसका उदाहरण है। It's not just about laying the foundation stones of Tata's food plants and our plants, but the very foundation of India's emergence in the modern economy and an announcement of India's arrival on the global semiconductor stage. Why did we have to wait until now for this moment? What Bharat is now witnessing is as revolutionary as independence itself. We are seeing an awakening and a resurgence that India has never ever seen before. This government's ability to foresee what Bharat needs to be a world leader is absolutely unprecedented. Government and industry are collaborating effectively, leveraging each other. Maine socha, agar chips ka hai intezaar, to CG hai tayar. Aaj hamare saath connect hue sare atithigan, मैं आसाम वासियों का ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, दो हम जब आसाम में जीएसटी का रिजोल्यूशन देश का सबसे पहले पारित किया था, मैं आज भी मेरा याद है, आपने हम लोगों को बोला था कि ए फॉर आसाम। भारत वासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर था। लोग कभी उत्तर पूर्व को कंसीडर ही नहीं करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ करना संभव है। इंडिया डेकेड चीफ फॉर विकसित भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी गुजरात को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारत के सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। करीब 1,25,000 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। गुजरात के धोलेरा,
और सारण में सेमी कंडक्टर फैसिलिटी हो, उनके मोरीगांव में सेमी कंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का एक कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 years from now, how do you see yourself? Create that vision. Create that vision with the opportunities that you sensitize yourself with, from the surroundings, from the environment, from your pedagogic learning, from the courses that you have learned. Understand just one minute process, but go deeper into that process. It's not necessary that you understand all the computer science and engineering, all the electronics and communication. Pick up something which is close to your heart. Understand a basic process, master it, everything will fall in line, opportunities will be running behind you.